खंडवा जिले की सभी तहसील खंडवा, पंदाना, पुनासा, हरसूद व खालवा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9425046807। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, घरों में अच्छे से अच्छा शास्त्र रखो, क्योंकि एक आंधी आपके घरों तक आने वाली है। उस दिन आपके बच्चे और आपके शास्त्र आपके काम आएंगे। यह नफरती बोले जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर। यदि नंदगिरी का संदेश लेकर खंडवा पहुँचे संत बाल योगी ज्ञान नाथ महाराज का, हरिद्वार के सर्वानंद पाठ से आरंभ हुई संत जागृति यात्रा खंडवा के ओंकारेश्वर में जोड़गढ़ हनुमान मंदिर पहुंची। हरिद्वार में सर्वानंद घाट से जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतिनंदगिरी जी का संदेश लेकर पहुंचे संतों ने विवादित बयान दिया है। यात्रा के साथ आए अपने आप को महामंडलेश्वर यतिनंदगिरी जी के शिष्य बताने वाले बाल योगी ज्ञान नाथ महाराज ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और घरों में अच्छे से अच्छे शस्त्र हथियार रखो, क्योंकि एक आंधी आपके घरों तक आने वाली है, जब ये बच्चे और शस्त्र आपके काम आएंगे। महाराज यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के पक्ष में कानून बनाकर और फैसले लेकर हिंदुओं की शत्रु हो गई है। वह इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं महाराज ने भाजपा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा अब कांग्रेस की हो गई है और सेकुलरवादी पार्टी बन गई है। महामंडलेश्वर यतिनंद के शिष्य बाल योगी ज्ञान नाथ महाराज ने कहा कि जिन्हें संतुष्ट कोई नहीं कर पाया, चाइना संतुष्ट नहीं कर पाया, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस संतुष्ट नहीं कर पाया, हम लोग भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। हमने पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश बना दिया, कश्मीर से हमें लात मार कर भगाया गया, उनको यह भाजपा अब संतुष्ट करेंगे, उनका तृप्तिकरण करेंगे। हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि दुनिया में लोगों के पास अपने अपने तंत्र में रहने के लिए अपने अपने देश हैं। ईसाई भाइयों के पास लगभग 150 देश हैं, वहीं मुस्लिम भाइयों के पास अपने तंत्र में जिंदा रहने के लिए 57 से 58 देश हैं। ऐसे ही हमारे यहूदी भाई हैं जो पूरी धरती पर 80 लाख हैं, उनके पास इसराइल जैसा अपना देश है। लेकिन हमारे सनातनियों के पास ऐसा कौन सा दुर्भाग्य रहा, हमारे नेहरू, गांधी, जिन्ना या अभी जो मोदी हैं, हम लोगों से ऐसी क्या भूल हुई कि हमारे पास अपना कहने के लिए धरती का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। बता दें, महामंडलेश्वर यतिनंद भी विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। अब उनके शिष्य बाल योगी ज्ञान नाथ महाराज ने भी इसी तरह की भाषा का उपयोग किया है। आखिर सवाल यह है कि इस तरह की नफरत भरी भाषा इन लोगों के मस्तिष्क में कौन डाल रहा है। टीम भारती न्यूज। ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पन्न करो और अच्छे से अच्छे शस्त्र अपने घरों में रखो, क्योंकि एक आंधी आपके घरों तक अवश्य आएगी, उस दिन वो आपके बच्चे और आपके शस्त्र आपके काम आएंगे। साहब समझ लीजिए, जैसे पहले मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी थी, कांग्रेस जो है हिंदुओं की थी, अब ऐसे ही हो गया है। अब ये जो कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग हो गई है, वो तो सरेआम स्पष्ट रूप से हम हिंदुओं के द्रोही कार्य करती है। कोई वारशिप एक्ट कानून दुनिया भर के जो उन्होंने कानून बनाए अपने राज में, तो उससे साबित होता है कि वो हिंदुओं की शत्रु है, मुस्लिम लीग ही हो चुकी है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए वो कार्य कर रही है। अब ये जो बीजेपी वाले हैं, ये हो गए अब कांग्रेस, ये हो गए सेकुलरवादी। मतलब जिन लोगों को पूरी दुनिया संतुष्ट नहीं कर पाई, चाइना संतुष्ट नहीं कर पाया, अमेरिका संतुष्ट नहीं कर पाया, लंदन संतुष्ट नहीं कर पाया, फ्रांस संतुष्ट नहीं कर पाया, हम लोग नहीं संतुष्ट कर पाए, पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, कश्मीर से हम लात खा के मार के भगाए गए, वो भी हमने सहन किया, तो उनको अब ये संतुष्ट करेंगे, तृप्तिकरण करेंगे। तृप्तिकरण तो मुझे ऐसा ही लगता है, उद्देश्य तो जो हमारा अंतिम उद्देश्य है वो यही है कि पूरी दुनिया के लोगों के पास अपने अपने तंत्र में जीवित रहने के लिए अपना अपना देश है। जैसे हमारे ईसाई भाई हैं, उन हमारे ईसाई भाइयों के पास अपने 150 के करीब देश हैं। ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके पास भी अपने तंत्र में जिंदा रहने के लिए 57 से 58 देश हैं। ऐसे हमारे यहूदी भाई हैं, 80 लाख ही हैं पूरी धरती पे, उनके पास भी अपने तंत्र में जिंदा रहने के लिए इजराइल नामक अपना एक देश है। लेकिन हमारा ऐसा सनातनियों का कौन सा दुर्भाग्य रहा, या हमारे गांधी, नेहरू या जिन्ना या जिन लोगों ने अपना आज अभी मोदी और जो भी है, हम लोगों से ऐसा कौन सा भूल हुई कि हमें आज तक भी अपना कहने के लिए हमारे पास धरती का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिससे मैं गर्व से होके कह सकूं कि मैं हिंदू हूं और मुझे सनातनी हिंदू का ये मेरा अपना देश है। Subscribe now to most exciting channel ever.